हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम है फिर से आपका एक बार इस चैनल पर। आज हम यहां पर एक क्वेश्चन करेंगे, क्लास टेंथ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। ये क्वेश्चन है यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरडी शर्मा का। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड From a point h meter above a lake is alpha and the angle of depression of its reflection in the lake is beta, prove that height of the cloud is h in bracket 10 beta plus 10 alpha divided by 10 beta minus 10 alpha। तो यहां पर हमें क्या गिवन है, क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है एक ऐसे पॉइंट से बनता है जो पॉइंट लेक से एच मीटर की हाइट पर है, और लेक में इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन बनेगा। तो उसी पॉइंट से जब हम रिफ्लेक्शन को देखेंगे तो डिप्रेशन बनता है। हमें प्रूफ करना है क्लाउड की हाइट को। तो सबसे पहले इसके लिए बनाते हैं एक फिगर। So, point A represent position of cloud, ये हो गया लेक, और जो observation point है that is h meter above the lake। तो h meter above the lake, यहां से हमने क्लाउड को ऑब्जर्व करा, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा बनेगा, और एलिवेशन तभी बनेगा जब हम यहां पर एक बेस को कंसीडर करेंगे। तो हमने एक लाइन बनाई है इसके पैरेलल, या ये कहें यहां से हमने एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप कर लिया। तो इस पॉइंट पर बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, क्लाउड का। अब बेटा यहां पर हमें जो इंफॉर्मेशन दी है वो क्या है, लेक में क्लाउड का रिफ्लेक्शन बनेगा। तो जैसे ये क्लाउड है, इस लेक में इसका रिफ्लेक्शन बना, तो यहां पर हमने मान लिया इसका रिफ्लेक्शन बन रहा है, और इसी पॉइंट से जब हम देखेंगे मतलब ऊपर से नीचे हम देख रहे हैं तो क्या बनेगा, डिप्रेशन। तो हम यहां पर सबसे पहले बनाते हैं इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन, ये रहा इसका रिफ्लेक्शन, और इसके रिफ्लेक्शन को हमने यहां पर ए डैश से डिनोट कर लिया। और जब हम इस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं इसे, तो ये बन रहा है इसका डिप्रेशन। तो इस पॉइंट से जब हम ऑब्जर्व करेंगे क्लाउड के रिफ्लेक्शन को मतलब हाइट से नीचे की तरफ, तो बनेगा डिप्रेशन। हमें निकालना है क्लाउड की हाइट, तो नेमिंग कर लेते हैं बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट एंड ई पॉइंट। तो देखिए ये हाइट तो क्योंकि एच है, तो ये वाली हाइट भी एच होनी चाहिए, और ए बी को यहां पर हमने कैपिटल एच से डिनोट कर लिया, मतलब जो क्लाउड की हाइट होगी वो इस पॉइंट से देखी जाएगी जस्ट अबव द लेक। तो क्लाउड की हाइट कितनी हो गई, ए सी। अब ए सी हाइट को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एच को निकालना पड़ेगा, और इसमें हम स्मॉल एच को जो हमें गिवन है ऐड कर लेंगे। तो इसमें ए रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल, ओ सॉरी, ए रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन ऑफ द क्लाउड, एंड ए डैश इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक, एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज ई, दैट इज एच मीटर अबव द लेक। सबसे पहले राइट ट्राइंगल को देखते हैं ए बी ई, और इस राइट ट्राइंगल में हमने रेशियो फाइंड कर लिया है ए बी और बी ई का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 अल्फा बनेगा। ए बी की वैल्यू एच रिप्लेस कीजिएगा, और यहां से
फाइंड कीजिएगा वैल्यू ऑफ बीई जो आपको मिलेगी एच अपॉन टेन अल्फा। सो ये बीई आ गया एच अपॉन टेन अल्फा। अब एक पॉइंट हम समझेंगे, देखिए लेक से ऊपर जितनी भी हाइट है क्लाउड की, इस पूरी हाइट का ही रिफ्लेक्शन लेक में बनेगा। मतलब कहने का यह है जो यहां पर एसी होगा दैट इज इक्वल टू सी ए डैश। अब एसी क्या है, एच प्लस एच, इसका मतलब है सी ए डैश क्या होगा, एच प्लस एच। नाउ कंसीडरिंग राइट ट्राइंगल ए डैश बी ई, इन राइट ट्राइंगल ए डैश बी ई, और इस राइट ट्राइंगल में हम रेशियो फाइंड कर रहे हैं ए डैश बी डिवाइडेड बाय बी ई, और फिर से ये 10 बनेगा लेकिन एंगल इस बार आप देख सकते हैं ये वाला बन रहा है दैट इज एंगल बीटा। ए डैश बी की वैल्यू का मतलब है ये पूरा, मतलब एच प्लस एच प्लस एच, तो हम यहां पे वैल्यू लगा रहे हैं एच प्लस एच एंड प्लस एच ये वाला, और अपॉन बीई जो था यहां से रिप्लेस कीजिएगा से बीई को, एच अपॉन टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन बीटा। इसे हम यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमने ऐड कर लिया है एच प्लस टू एच, एच अपॉन 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। हमें करना क्या है, यहां से हमें फाइंड करना है कैपिटल एच, क्योंकि स्मॉल एच तो गिवन था और इस कैपिटल एच में जब स्मॉल एच ऐड करेंगे तो हमें क्लाउड की हाइट मिलेगी। इसके लिए हम 10 अल्फा को यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं एच मल्टीप्लाइड बाय 10 अल्फा, 2h मल्टीप्लाइड बाय 10 अल्फा is equal to h tan beta। Now हमें find करना है capital H, तो इस वाली term को हम इधर ला रहे हैं टू एच टेन अल्फा एच टेन बीटा माइनस एच टेन अल्फा, और यहां से H को जब कॉमन निकालेंगे tan बीटा माइनस tan अल्फा आएगा, तो हम यहां पर कैपिटल H निकाल सकते हैं जो हमें मिला 2H tan अल्फा डिवाइडेड बाय tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो अभी बेटा हाइट नहीं आई, अभी हमें कैपिटल H मिला। क्लाउड की हाइट का मतलब है ये पूरा AC जो कैपिटल H प्लस एच है। तो अब हम फाइंड करेंगे हाइट ऑफ क्लाउड, जिसका मतलब है एसी, और इस एसी का मतलब है कैपिटल एच प्लस एच। तो एसी जिसका मतलब है कैपिटल एच प्लस एच, और कैपिटल एच आया 2h tan अल्फा, कैपिटल एच आया 2h tan अल्फा डिवाइडेड बाय tan बीटा माइनस tan अल्फा प्लस एच, और हमें इसे सॉल्व करना होगा तभी हमें क्लाउड की हाइट मिलेगी। On taking LCM, denominator 10 beta minus 10 alpha, 2H 10 alpha,
एच टेन बीटा माइनस एच टेन अल्फा। तो हम यहां पर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं टू एच टेन अल्फा माइनस एच टेन अल्फा, दैट इज एच टेन अल्फा। एच टेन अल्फा प्लस एच टेन बीटा डिवाइडेड बाय टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। तो ये आ चुका है एसी, और एच न्यूमरेटर में हम कॉमन निकालेंगे तो हमें इसका प्रूफ मिलेगा। एच कॉमन निकालने के बाद टेन बीटा प्लस टेन अल्फा डिवाइडेड बाय टेन बीटा माइनस टेन अल्फा हाइट ऑफ क्लाउड, यही हमें प्रूफ करना था। एच टेन बीटा प्लस टेन अल्फा डिवाइडेड बाय टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। तो ये हमने कवर किया है एक बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन को। तो ओके बेटा, प्रैक्टिस करिए, लिख के देखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।